लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्रॉप क्या होता है, कौन से टाइप्स के क्रॉप होते हैं, और क्रॉप में सब चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब ऑयल सीड्स जैसे हम सरसों लगाते हैं, ये सब क्रॉप्स के पार्ट हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से ये सारा, कितनी स्टेप्स होती हैं एग्रीकल्चर में, खेती करने में जब क्रॉप लगाया जाता है और हम तक पहुंचता है उसमें कितने स्टेप्स होती हैं। ये बिल्कुल आप सोचिए कि आप गार्डनिंग कर रहे हो, अपने घर में कुछ प्लांट लगाते हो, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। सिमिलरली हम इसको बड़े लेवल पे यूज करते हैं इन स्टेप्स को। जैसे अगर आप अपने घर पे कोई भी प्लांट लगाओगे तो आप सबसे पहले सॉइल, मिट्टी को सही करोगे। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी पहले स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर आप सीड लगाते हो तो फिर सोइंग होता है, सोइंग मतलब सीड को लगाना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे फर्स्ट स्टेप, इसका मतलब कि मिट्टी को तैयार करना। सेकेंड स्टेप सोइंग, सीड को लगाना, सीड बोना, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, आप पानी देते हो फिर उसको, प्लांट को प्रॉपर टाइम पे रेगुलरली पानी देते हो। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को दूसरे कीड़ों से या डिसीज से बचाना, और सबसे लास्ट में हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप हमें तैयार होता है तो हम उसकी कटाई करते हैं। तो ये सब स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर की। तो हम सारे स्टेप्स को डिटेल में हम शॉर्टली देखेंगे, एक्सप्लेनेशन कर दूंगी आपको, पर आपको नोट्स बिल्कुल डिटेल में लिखना है जो आपको पीडीएफ मिलेगी। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, कैसे करते हैं, व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम तीन क्वेश्चंस के आंसर इसमें देंगे, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को ढीला करना, लूज करना, उसको बोला जाता है लूजनिंग ऑफ सॉइल या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, टर्निंग ऑफ सॉइल, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। किससे करा जाता है, बाय यूजिंग प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, ये तीन चीजें। प्लाउ आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है, आप देखते हो हल जो होता है प्लाउ होता है, या तो बैलों में आगे लगा पीछे लगा दिया जाता है और बैल चलते हैं तो हल चलता है, वो जोतते हैं खेत, जिससे ट्रेडिशनल मेथड फार्मर्स देखे होंगे आपने करते हुए, वो प्लाउ यूज करते हैं। हो भी एक तरह से प्लाउ जैसे दिखता है, और कल्टीवेटर, कल्टीवेटर में इसको ट्रैक्टर से अटैच, एक मशीन से प्लाउइंग करी जाती है, ट्रैक्टर से अटैच करते हैं कल्टीवेटर को और मशीन से प्लाउइंग करी जाती है, इससे टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है और ज्यादा कम समय में ज्यादा अच्छा काम होता है कल्टीवेटर से। ओके, सी लुक इन टू द बुक, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लाउ। एक प्लाउ कैसा होता है, ये प्लाउ का डायग्राम है जिसपे ये हैंडल जो है उसको बोला जाता है प्लाउ शाफ्ट, और ये है प्लाउ शेयर जो जमीन के अंदर जाता है और मिट्टी को लूज करता है, ठीक है। सेकंड है, ये सेम हो है, प्लाउ के जैसा दिखता है, इसमें भी हैंडल होता है, प्लेट होती है जिससे प्लाउइंग करी जाती है, वीड्स को मतलब अनवांटेड प्लांट्स को निकाला जाता है, ये हो का डायग्राम है। ये है मशीन कल्टीवेटर, कल्टीवेटर ट्रैक्टर से अटैच करा है कल्टीवेटर, जिससे टाइम और लेबर दोनों बचता है और कम समय में ज्यादा अच्छा काम होता है। देखो रेगुलर इंटरवल पे खेतों की प्लाउइंग हो रही है, इसमें मिट्टी को निकाला जा रहा है, ठीक है। फिर हम वाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों कहा जाता है, लूजनिंग, मिट्टी को इस तरह से क्यों प्रिपेयर करा जाता है, इसका रीजन क्या है, बेटर एरेशन, एरेशन मतलब एयर से वर्ड रिलेटेड है, तो हवा का फ्लो अच्छा हो मिट्टी के अंदर, उसको बोलते हैं बेटर एरेशन। हवा का फ्लो अच्छा होना चाहिए, बाहर मिट्टी के अंदर फ्लो और एयर अच्छे से जाना चाहिए ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सकें, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटर एरेशन। बेटर एरेशन में अर्थ फॉर्म जो होते हैं मिट्टी में वो फार्मर फ्रेंड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो होता है फार्मर, अर्थ फॉर्म के जो मूवमेंट्स है, अर्थ फॉर्म मिट्टी में चलते हैं, उनके मूवमेंट से पूरी मिट्टी वो हो जाती है, उबड़ खबड़ जैसे ऊपर नीचे हो जाती है मिट्टी, तो उस वजह से उसको भी वो बहुत हेल्प कर रहे हैं फार्मर की इस तरह से, इसलिए उनको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। लूजनिंग ऑफ सॉइल में अर्थफॉर्म बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो बेटर एरेशन पहला पॉइंट, हवा का बहाव मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा से होना चाहिए। वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन मतलब जब मिट्टी लूज हो जाती है तो उसकी जो पानी की
होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रखने की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर सकती है मिट्टी, तो प्रॉपर पानी मिलता है प्लांट को। ह्यूमस, अनवांटेड जो डिकेइंग डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स से जो तैयार होती है लेयर, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ये बहुत फर्टाइल लेयर होती है और प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ह्यूमस और टर्निंग ऑफ सॉइल, जो मिट्टी के आपने फर्टिलाइजर वगैरह जो भी ऐड कर रखे हैं पहले से, वो मिट्टी के नीचे ही नीचे होते हैं। डिकम्पोजिशन भी क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है। प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत बड़ी अंदर दबे हुए होते हैं, अंदर उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो वो नीचे रह जाते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ जमीन के कुछ नीचे तक के ही जा पाते हैं, पर अगर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हैं तो उनको ऊपर लाया जाता है। तो ये भी किस तरह से होता है, प्लाउइंग से लूजिंग ऑफ सॉइल से जो नीचे दबे हुए न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सब कुछ ऊपर आ जाते हैं। तो टर्निंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल, मिट्टी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, जिससे प्लांट्स उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उसके बाद प्लांट जो है, अगर मिट्टी को हम प्रिपेयर करते हैं इस तरह से, तो प्लांट उसमें से अच्छे मतलब फिक्स अच्छे से हो सकते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो डीप तक जा सकती हैं। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन सब चीजों से के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्लाउइंग एंड टिलिंग बोला जाता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल को प्लाउइंग एंड टिलिंग बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है लेवलिंग की। जब प्लाउ कर दिया तो फिर उसको लेवल, जो बड़ी बड़ी मिट्टी या बड़े बड़े स्टोन्स ऊपर आ गए हैं उनको क्रश कर दिया जाता है, लेवल में कर दिया जाता है। तो सेकेंड स्टेप है इसकी, इस प्रोसेस की सेकेंड स्टेप है लेवलिंग। लेवलर की हेल्प से ये करी जाती है, ताकि लेवल करने के बाद क्या होता है, पानी अच्छे से पूरी फील्ड में पहुंचता है, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से सप्लाई कर सकते हैं हम। सेकेंड स्टेप जो है वो है सोइंग की। अब आपने मिट्टी तैयार कर ली, अब उसके बाद होता है सीड डालने का काम। तो सोइंग क्या है, पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, सीड का सीड के अंदर सीड को है मिट्टी में डालना। कैसे डालना पड़ता है, इसके लिए भी बहुत प्रॉपर डेप्थ पे, प्रॉपर गहराई के अंदर मिट्टी में, प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस, रेगुलर डिस्टेंस, पास दूर ऐसा नहीं हो सकता, एक रेगुलर डिस्टेंस पे और अच्छे प्रॉपर डेप्थ पे गहराई में सीड को डालना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या करते हैं कि सबसे पहले सीड सिलेक्शन करना पड़ता है, कि सीड अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सीड हम सिलेक्ट करते हैं जो डिसीज फ्री होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुड क्वालिटी सीड्स और डिसीज फ्री होना चाहिए। अब एक नॉर्मल से अब टेक्निक है कि सीड किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, कि आप एक पानी के बॉल में बहुत सारे सीड डाल दो और जो नीचे सेटल हो जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी की सीड है, बाकी जो डिसीज वाले हैं या फिर खराब सीड्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, वो सीड्स अच्छे नहीं होते, उनको निकाल दिया जाता है और बाकी जो सेटल हुए सीड्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं उनको लगाया जाता है। तो सोइंग मतलब पुटिंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल, प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस पे। अब किस तरह क्यों करा जाता है सोइंग, सॉरी ये इस तरह से प्रॉपर डेप्थ पे और डिस्टेंस पे क्यों लगाया जाता है सीड को, ये क्यों जरूरी है, ताकि प्रॉपर डेप्थ पे जब आप लगाते हो, ज्यादा गहरा कर दोगे तो हवा मिलना मुश्किल हो जाएगी, तो प्रॉपर डेप्थ पे ताकि उनको एयर मिलती रहे अच्छे से। और प्रॉपर डिस्टेंस पे क्यों, एक प्रॉपर दूरी पे क्यों लगाया जाता है, ताकि जो सीड्स हैं उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए वो आराम से ले सकें, इसलिए उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है। कैसे कर सकते हैं, मैन्युअली करा जा सकता है, हाथों से सीड्स डाले जा सकते हैं, उस मेथड को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जब सीड्स को हाथों से डालते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और सीड ड्रिल, एक फनल शेप होती है मशीन जिसमें बहुत सारे, एक फनल होता है और बहुत सारे ट्यूब से अटैच होती है, वो इस तरह से फनल होता है ऊपर और ये ट्यूब से अटैच होती है, हर ये जो ट्यूब है प्रॉपर डिस्टेंस पे होती है। तो जब फनल में सीड डालते हैं तो यहाँ पर सीड ये चलता जाता है आगे, फनल में सीड डालते जाते हैं और ये ट्यूब से सीड जमीन में प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड अपने आप चलते, इसको ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं इसको, और ये सीड ड्रिल है इसको ट्रैक्टर से अटैच करते हैं और ये आगे बढ़ता है और सीड प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड और प्रॉपर गहराई में सीड्स जलते चले जाते हैं।
तो ये दो मेथड है सोइंग के, ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल। फिर थर्ड स्टेप है सीड डाल दिए आपने, अब थर्ड स्टेप है उनको फर्टिलाइजर या मैन्योर डालना ताकि उनको अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्यों ऐड करा जाता है? टू इंक्रीज फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, मिट्टी को अच्छे से फर्टाइल बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने के लिए फर्टिलाइजर और मैन्योर डाला जाता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में बुक में दिया है जो आपको लिखना बहुत जरूरी है। मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब नेचुरल चीज है जो किस तरह मिलते हैं हमें, प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से। जब प्लांट्स सड़े हुए प्लांट्स, जो गले हुए प्लांट्स नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी डिकम्पोज होना चालू होती है। ये सब मिट्टी में मिलकर मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। तो ये एक नेचुरल कंपाउंड है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल है कॉम्पोस्ट। आप जानते हो कॉम्पोस्ट में क्या करते हैं कि जो भी हमारे छिलके होते हैं, पील्स होती है वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की, और ज्यादा किचन का वेस्ट होता है, इस तरह से जो ऐसी चीजें हैं उसको एक गड्ढे में डालकर और बहुत लंबे समय तक उसको बंद करके रखा जाता है, पैक करके, और बहुत समय बाद वो कंपोस्ट में चेंज हो जाते हैं, खाद बन जाती है उसकी। अब कंपोस्ट में अगर आपको, ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है कंपोस्ट बनाने का, इसमें अगर कंपोस्ट में आप गड्ढे के अंदर ये सब पील्स वगैरह जो किचन वेस्ट है या जो भी है एनिमल्स वेजिटेबल्स वगैरह जो भी डालोगे, उसमें अगर आप कुछ अर्थवर्म वगैरह भी डाल देते हैं तो ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ग्रीन मैन्योर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो फील्ड में होते हैं उनको बिल्कुल मैश, बिल्कुल मिक्स कर दिया जाता है मिट्टी से, उन प्लांट्स को मशीन की हेल्प से उनको मिक्स कर दिया जाता है, तो ये ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है कि काउडंग जो भी होता है, काउडंग या एनिमल एक्सक्रीटा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन सबको मिक्स करके धूप के अंदर सुखाया जाता है सनलाइट में, तो एक फार्मयार्ड मैन्योर तैयार हो जाता है। एंड क्योंकि ये सब चीजें एनिमल्स, जो खेती करने वाले किसान वगैरह होते हैं, उन सबके पास एनिमल्स वगैरह होते ही हैं, काउस वगैरह होते हैं, बेल ये बुलक्स वगैरह होते हैं, जो भी एनिमल का एक्सक्रीटा है, काउडंग सब है, ये सब मिक्स करके ये फार्मयार्ड, इसको सुखाया जाता है और फार्मयार्ड मैन्योर तैयार होता है। ठीक है, फिर क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते, अगर प्लांट्स को कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो इसमें सब कुछ मिलता है पर कम अमाउंट में होता है। मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर कम अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में, तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता। फिर इसको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मैन्योर ज्यादा क्वांटिटी में डलता है। जैसे आप जानते हो अगर किसी को आयरन की कमी है, किसी को आयरन की कमी है, तो हम जानते हैं कि नेचुरल तरीके से आयरन बढ़ा सकते हैं अगर आप पालक खाओगे या दूसरी ऐसी चीज जो विटामिन आयरन में, जो जिसमें आयरन की क्वांटिटी है, आयरन जिसे मिलता है, हम चीज खाते हैं, हमें बताया जाता है पालक खाओ आप, ये सब चीजें खाओ आपको आयरन मिलेगा, पर इन सब चीजों से आयरन हमें कम अमाउंट में मिलता है। हमें ज्यादा चीजें लंबे समय तक के हम जब खाएंगे तब हमें आयरन मिलेगा थोड़ा, पर डॉक्टर्स क्या करते हैं वो एक केमिकल फॉर्म में आयरन की टैबलेट आपको दे देते हैं। अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है तो आपको टैबलेट दे देंगे आयरन की, तो उससे आपका आयरन ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। तो इसी तरह जो नेचुरल सब्सटेंस है, इससे जो भी चीज है, न्यूट्रिएंट है, वो धीरे धीरे मिलेंगे प्लांट्स को, पर अगर आपको अच्छे से, अच्छा अमाउंट में जल्दी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे फिर? फर्टिलाइजर, क्योंकि ये केमिकल है, इसके अपने डिसएडवांटेज होंगे। पर फर्टिलाइजर कहाँ बनाया जाता है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर्टिफिशियल है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। न्यूट्रिएंट मतलब अगर प्लांट को पोटेशियम चाहिए तो ऐसा डाला जाएगा जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगती इसकी क्योंकि केमिकल है। एग्जाम्पल यूरिया और डीएपी। फिर दूसरे तरीके जो है नेचुरल मेथड, कुछ भी नहीं डाला, नेचुरल मेथड से कैसे होता है? फील्ड फैलो, मतलब फील्ड को क्या होता है, बिना कुछ कल्टीवेशन के रख दिया जाता है ऐसे ही, तो उसमें जब भी प्लांट या एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है बहुत टाइम तक के, तो वो फील्ड में अपने आप मैन्यूअल ऐड हो जाता है।
रिकम्पोजिशन से। क्रॉप रोटेशन मतलब एक साल ये वाला क्रॉप उगाया, दूसरे साल दूसरा, ताकि जो फील्ड है वो न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी ना हो पाए। नहीं तो अगर आप एक कंटिन्यूसली एक ही तरह का क्रॉप उगाओगे तो मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी जो वो क्रॉप यूज करता है हमेशा। तो टर्न बाय टर्न आज ये वाला क्रॉप, फिर उसके जैसे बीज है, फिर उसके बाद आपने पीज लगा दिया, ग्राम लगा दिया ताकि नाइट्रोजन की, क्योंकि पीज और ग्राम जो होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनकी रूट्स में बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं लेग्यूम प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे ग्राम और पीज। तो बीज लगाने के बाद, एक साल बीज लगाया उसके बाद वहां पर ग्राम की खेती कर ली, इस तरह से पीज वगैरह लगा दिए, तो क्या होता है न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बनी रहती है उस फील्ड में। मिक्स क्रॉपिंग में दो तरह के या तीन तरह के क्रॉप्स लगाए जाते हैं एक ही फील्ड में, सबकी दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो आराम से एक दूसरे को वो हेल्प कर लेते हैं क्रॉप्स, एक की न्यूट्रिएंट की कमी दूसरा पूरा कर लेता है, तो इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग होती है। ये नेचुरल तरीके हैं। तो ये सब ये तीन स्टेप्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं।